हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। स्टेबिलिटी ऑफ कम्युनिटी डिपेंड अपॉन इट्स स्पीसीज रिचनेस। हाउ डिड डेविड टेलमैन शो दिस एक्सपेरिमेंटली? स्टेबिलिटी ऑफ कम्युनिटी, एक कम्युनिटी की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि इसकी स्पीसीज कैसी है। तो ये सब डेविड टेलमैन ने कैसे बताया? तो हमारा जो क्वेश्चन है, इसका जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट क्या है? स्पीसीज रिचनेस। स्पीसीज रिचनेस डेविड टिलमैन है। डेविड टिलमैन इस साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये दिखाया कि एक कम्युनिटी की स्टेबिलिटी उसकी स्पीसीज रिचनेस पे डिपेंड करता है। कि कम्युनिटी की स्टेबिलिटी डिपेंड अपॉन स्पीसीज रिचनेस। कितनी स्पीसीज है उसके ऊपर उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। अब उन्होंने क्या किया, इसने एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने मिनेसोटा के सीडार क्रिक में, मिनेसोटा के सीडार क्रिक में ग्रासलैंड प्लॉट पे काफी लंबे समय तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। तो एक्सपेरिमेंटल एरिया उनका था मिनीसोटा का सिडार क्रिक ग्रासलैंड प्लॉट, एक्सपेरिमेंट एरिया इनका, एक्सपेरिमेंट एरिया ये था। ओके, उन्होंने अलग अलग प्लॉट्स बनाए। उनमें से जैसे उन्होंने प्लॉट बनाए, अब कुछ प्लॉट में तो उन्होंने एक स्पीसीज ग्रो करवा दी, कुछ प्लॉट्स में उन्होंने क्या किया, ज्यादा स्पीसीज रख दी और वो स्टेबल थी। मतलब ये प्लॉट्स ऐसे ऐसे थे। मतलब पहले उन्होंने क्या किया कि प्लॉट्स बनाए और कई स्पीसीज रखी, और फिर उन्होंने इन प्लॉट्स को क्या किया, इन्वायरमेंटल डिस्टरबेंस किया। पहले तो मेकिंग सम प्लॉट्स और उनको ऑन डिफरेंट स्पीसीज के बेस पर प्लॉट्स बनाए, कुछ में ज्यादा स्पीसीज रख दी, में सम मैनी स्पीसीज, कुछ में ज्यादा स्पीसीज रख दी और कुछ में फ्यू स्पीसीज रख दी, बहुत ही कम स्पीसीज रखी हैं। तो क्या हुआ, फिर उनको ट्रीट करवाया गया नेचुरल, मतलब चीजें पे इन्वायरमेंटल डिस्टरबेंस क्रिएट करवा के उनको ट्रीट किया गया। इन्वायरमेंटल डिस्टरबेंस कैसे हो सकते हैं, वो सब हो सकते हैं। ड्राफ्ट ले दिया, सूखापन आ गया, इसमें आ जाता है मेनली ड्राफ्ट, जहां पे पानी की कमी है। तो क्या हुआ, उसका जो रिजल्ट आया, इस स्पीसीज से उसका जो रिजल्ट आया, उन्होंने देखा कि जिन प्लॉट्स में ज्यादा स्पीसीज थी, मैनी स्पीसीज वाले जो प्लॉट थे, उनमें ज्यादा स्टेबल थे, मोर स्टेबल, दे बिकम मोर स्टेबल, क्योंकि उनकी टेंडेंसी ज्यादा थी कि वो सरवाइव कर सके, सर्वाइवर ज्यादा था उनका, सरवाइव ज्यादा कर गए। मतलब ये प्लॉट डिस्टरबेंस के बाद भी अपने आप को, प्रोडक्टिविटी को मेंटेन कर पाए। दे मेंटेन दे प्रोडक्टिविटी, डिस्टरबेंस होने के बावजूद भी वो अपनी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन कर पाए। दूसरी तरफ अगर देखें कि अगर एक स्पीसीज में कोई प्रॉब्लम आती है, तो दूसरी जो स्पीसीज होती है, मतलब एक स्पीसीज अगर खराब हो गई, वन स्पीसीज कंपेंसेट हो जाती थी दूसरी स्पीसीज के साथ बाय अनदर स्पीसीज,
ऐसा होता था। तो एक पूरी कम्युनिटी स्टेबल रहती थी, ये स्टेबल क्रिएट कर देता था हॉल कम्युनिटी को। तो जिसमें ज्यादा स्पीसीज है, इसका कहने का मतलब है जहां पे मैनी स्पीसीज थी, काफी सारे स्पीसीज थी, तो वहां पर इकोसिस्टम ज्यादा स्टेबल था और रिजिलियंट था, रिजिलियंट स्टेबल था। और जहां पे कम स्पीसीज थी और जहां पे स्पीसीज कम थी, वहां पे क्या था कि हमारा जो एनवायरनमेंट था, जो प्लांट्स थे, जो ग्रोथ थी कम्युनिटी की, वो ग्रो नहीं कर पाई। तो हमारे जो की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, दैट इज स्पीसीज रिचनेस के अकॉर्डिंग, डेविड टिलमैन ने एक्सपेरिमेंटली ये कंक्लूड किया था कि कम्युनिटी की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि स्पीसीज कितनी रिचनेस है, स्पीसीज की अवेलेबिलिटी कितनी है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।